पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दिन नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी और अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के साथ ही आज मुरादाबाद में आज मां का आशीर्वाद लिया गया। कन्या जमा कर माता के भक्तों ने नवरात्र का उद्यापन किया। उत्तम संयोग के बीच ज्यादातर लोग नवमी तिथि पर ही कन्या पूजन कर रहे हैं। अष्टमी सुबह 6:57 तक की गई, इसके बाद नवमी शुरू हो गई जिसमें कन्या पूजन के साथ माता रानी की कृपा प्राप्त की गई। शारदीय नवरात्र पर्व पर महानगर में श्रद्धालुओं ने नौवीं सिद्धिदात्री देवी की मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा अर्चना की और 9 दिन से चल रहे व्रत का कन्या जमा कर उपवास को खोला। स्थानीय मंदिरों में भी प्रातः से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। 9 देवियों का आज पूजन करके हमने कन्याओं को जिमाया है और उनको ये संदेश दिया है कि वो अपनी पढ़ाई आगे और अच्छे से करें और इंडिपेंडेंट रहें और अपने पैरों पर खड़े हों, आगे कोई परेशानी आए तो उसका डट के सामना करें। 9 देवियों का 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है, उसके बाद 8वीं अष्टमी और नौवीं पूजी जाती है जिसमें कन्याओं को जिमाया जाता है और सुबह सुबह पूजा करके पूजन करके फिर उनके लिए भोज तैयार करके भोग लगा करके और कन्याओं को बैठा करके उनको खिलाया जाता है। क्या संदेश दिया है उनके लिए जो सभी कन्याएं हैं? एक तो कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजर मास्क का संदेश दिया है और आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए संदेश दिया है। और अच्छा, एक लड़की को क्या होना चाहिए, किस तरह से आखिरकार आगे बढ़ना चाहिए? एक लड़की को अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। आज के टाइम पर स्ट्रांग वुमन सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट होना चाहिए आज के टाइम। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।